दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड जारी है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि अब ठंड नहीं बढ़ेगी। दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर में बीते 4 दिनों में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग यानी कि IMD के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार को मिनिमम टेम्परेचर में कमी दर्ज किया गया। मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के पालम मौसम केंद्र में सुबह घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लेवल 50 मीटर तक गिर गया। IMD के मुताबिक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देर रात 12:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अगले 3 से 4 दिनों तक घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली NCR से लेकर उत्तर पश्चिम और पूर्व उत्तर भारत तक लोगों को अगले 4 दिनों तक शीतलहर से छुटकारा नहीं मिलने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। विभाग के अनुसार पंजाब के लुधियाना में सबसे कम 3.1 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया था। वहीं हरियाणा के सोनीपत, झज्जर, जिंद, रेवाड़ी सहित कई स्थानों पर शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग की माने तो अभी उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम जारी रहेगा। 19 जनवरी को राज्य में कई जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया था। वहीं पूर्वांचल में लगातार पूर्वी हवाएं चल रही हैं। हवाओं के असर के कारण कोहरा गायब हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो 20 जनवरी तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर घना कोहरा और ठंड रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में तेज कोल्ड डे रहने की संभावना है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और उसके आसपास के इलाकों में तीव्र कोल्ड डे रहने की संभावना है। वहीं बिहार में भी शीतलहर का कहर जारी है। बिहार में शुक्रवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा। राज्य में घने कोहरे और बारिश जैसी स्थिति से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग की माने तो ऐसी स्थिति 22 जनवरी तक रहने वाली है।